हेलो गाइस, मेरा नाम है वैक्सकॉन और आज की वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक होल्स के बारे में और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि आखिर ब्लैक होल होता क्या है। ब्लैक होल स्पेस में वो जगह होती है जहाँ पर ग्रेविटी की पुल इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ से लाइट भी रोशनी भी एस्केप नहीं कर पाती है और इसी की वजह से हम ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे स्पेशल टूल्स हमने बना लिए हैं जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि आखिर स्पेस के पर्टिकुलर रीजन में ब्लैक होल है या नहीं, बट फिर भी ब्लैक होल को नेकेड आई से देखना इम्पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक होल से लाइट एस्केप कर ही नहीं सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि हम ब्लैक होल्स पर उठाएंगे वो ये है कि आखिर ब्लैक होल्स कितने बड़े होते हैं। ब्लैक होल्स काफ़ी अलग अलग साइजेस के होते हैं। ब्लैक होल्स की अगर मैं बात करूं तो सबसे छोटा ब्लैक होल एक एटम के जितना भी हो सकता है और सबसे बड़ा ब्लैक होल हमारे सूर्य से बहुत 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 ज़्यादा बड़ा हो सकता है, क्योंकि सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की अगर हम बात करें तो उनका जो मास होता है वो हमारे सूर्य से लगभग 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा होता है। पूरा 1 मिलियन टाइम्स ज़्यादा मास होता है। आप खुद ही सोच के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आखिर उन ब्लैक होल्स की ग्रेविटेशनल पुल कितनी ज़्यादा होगी। और स्टेलर ब्लैक होल्स भी होते हैं जिनका मास हमारे सूरज से 20 गुना ज़्यादा होता है। बट एक आइडिया आपको अगर मैं देना चाहूँ तो आप खुद सोच के देखिए, जो ब्लैक होल्स एटम के जितने छोटे होते हैं उनका मास अगर हम कंपेयर करें एक बड़ी सी चट्टान या बड़ी सी माउंटेन के साथ तो उनका मास उतना होता है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि आखिर मास कितने छोटे एरिया में कंसंट्रेटेड होता है ब्लैक होल्स के अंदर और तभी उनकी ग्रेविटेशनल पुल इतनी ज़्यादा होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आखिर एक ब्लैक होल कैसे बनता है। तो ये समझना काफ़ी आसान है। अगर हम एक नॉर्मल तारे की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं, राइट? और न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से अंदर इतनी प्रेशर और एनर्जी क्रिएट हो जाती है और वो बाहर की तरफ एक्ट करती है, राइट? और जो ग्रेविटी होती है बाहर वाली वो अंदर की तरफ एक्ट करती है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो बोथ प्रेशर एनर्जी है और जो आपकी ग्रेविटेशन है वो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं और इसी स्टेट में हम बोलते हैं कि हाँ, तारा स्टेबल है। बट जब एक तारा ख़त्म होने वाला होता है, जिसे हम बोलते हैं अ डाइंग स्टार, तो उस केस में जो न्यूक्लियर फ्यूल होता है तारे का वो बिल्कुल कंज्यूम हो गया होता है, मतलब कि उसकी कोर के अंदर कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं हो सकती है। और उसी की वजह से ये होता है कि जो आपकी ग्रेविटी होती है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है और उसी की वजह से जो कोर होती है वो कंप्रेस होने लग पड़ती है। तो होगा क्या कि जो तारे का बाहर का हिस्सा है वो तो बिखर जाएगा स्पेस में, जिसे हम सुपरनोवा भी कहते हैं, बट जो तारे की कोर है वो कंप्रेस हो के उसका मास एक एरिया में, बहुत छोटे एरिया में कंसंट्रेट हो जाता है और उसी की वजह से आपका ब्लैक होल बन जाता है और उसका मास काफ़ी 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 ज़्यादा होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि स्वप्निल छापरिया ने पूछा है और उन्होंने पूछा है कि एट द एंड ऑफ अ ब्लैक होल इज देयर अ वाइट होल और नॉट। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये और मैं कहना चाहूँगा कि अभी ये सब थियोरेटिकली ही प्रूव हो पाया है कि वाइट होल एग्जिस्ट करते हैं, वार्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट वेल, वार्म होल्स और वाइट होल्स दो डिफरेंट चीज़ें हैं। अब वाइट होल की अगर मैं बात करूँ तो वाइट होल एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है ब्लैक होल का। जैसे कि मान लीजिए लाइट है, लाइट जैसी एक ब्लैक होल के पास से गुजरेगी तो ब्लैक होल उस लाइट को अपनी तरफ खींच लेगा ग्रेविटेशनल पुल की वजह से और लाइट उससे एस्केप नहीं कर सकती है। अब अगर मैं व्हाइट होल की बात करूं तो व्हाइट होल में कोई भी चीज़ अंदर नहीं जा सकती है, सिर्फ उससे निकल सकती है। मतलब कि अगर लाइट व्हाइट होल के पास से जाएगी तो वो उसे अपनी तरफ खींचेगा नहीं, बट होगा क्या कि अगर व्हाइट होल के अंदर पहले से कोई लाइट या फिर मैटर हुआ वो उसे इजेक्ट जरूर कर सकता है, उसे बाहर ज़रूर निकाल सकता है। तो इसी की बेसिस पे कई लोग ऐसा मानते हैं, जैसे कि स्वप्निल ने भी पूछा हमसे कि क्या ब्लैक होल के एंड में वाइट होल हो सकता है, तो काफ़ी हाई पॉसिबिलिटी ऐसी है। अब देखिए, हमें ये ही नहीं पता है कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, हमें नहीं पता कि उसके एंड में क्या है, बट अगर वाइट होल ब्लैक होल के एंड में हुआ तो कुछ सेंस बनेगी। जैसे कि मान लीजिए ब्लैक होल ने रोशनी जो उसकी तरफ आ रही है उसको ग्रेविटेशनल पुल से अपनी तरफ खींचा और हो सकता है कि वो लाइट ब्लैक होल के थ्रू ट्रैवल करके वाइट होल में पहुंचेगी और वाइट होल उसे फिर कहीं और किसी और डिमेंशन में या फिर किसी और यूनिवर्स में इजेक्ट करेगा। तो काफ़ी सेंस बनती है इस बात की, बट अगेन ये हाइपोथेटिकल ही है सब कुछ और अभी तक हमें नहीं पता है कि आखिर ब्लैक होल के अंदर
क्या चीज़ है और आखिर ब्लैक होल के अंदर जाके स्पगेटिफिकेशन हो जाती है, या फिर अगर आपने इंटरस्टेलर देखी है तो उसमें एक अलग ही डायमेंशन, फिफ्थ डायमेंशन की बात भी की गई थी। ममता प्रजापति ने भी वही क्वेश्चन पूछा है जो कि स्वप्निल ने पूछा था कि आर ब्लैक होल्स कनेक्टेड टू व्हाइट होल्स। तो ममता प्रजापति, आई होप आपको आपका आंसर मिल गया हो। और जहां तक आपने लिखा है कि देर आर इवन चांसेस दैट देर आर द मेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स एंड बिग बैंग, तो हाँ ऐसा हो सकता है, बट फिर से कोई ऐसा साइंटिफिक डेटा नहीं है जो इसे सपोर्ट करता है, बट फिर भी एक हाइपोथीसिस काफ़ी अच्छी है ये। तो चलिए अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेल चलिए फाइनल क्वेश्चन की बात करते हैं इस वीडियो के, और वो पूछा है स्टोन नेथन ने, वो है कि व्हाट्स इवेंट होराइजन और क्या ब्लैक होल्स से फ्यूचर ट्रैवल हो सकता है। वेल इवेंट होराइजन की अगर मैं बात करूँ तो इवेंट होराइजन वो ब्लैक होल के अराउंड के एरिया है जिसे अगर एक बार आपने क्रॉस कर लिया या फिर किसी और चीज़ ने भी क्रॉस कर दिया जैसे कि लाइट या कोई और ऑब्जेक्ट, वो ब्लैक होल से फिर एस्केप नहीं कर पाएगा क्योंकि जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा होगी। मतलब कि अगर आपको फिर वापस इवेंट होराइजन से निकलना है, ब्लैक होल की पुल से निकलना है वापस, तो फिर आपकी एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड जो कि 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड है उससे भी कहीं कहीं ज़्यादा होनी चाहिए, जो कि इम्पॉसिबल है। और बस वही पॉइंट होता है इवेंट होराइजन। और इनफैक्ट अगर कोई ऑब्जर्वर खड़ा है ब्लैक होल के बाहर और वो दूर से ऑब्जर्व कर रहा है इवेंट होराइजन में एक ऑब्जेक्ट को जाते हुए, तो उसे वो नॉर्मली जाते हुए नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो उसे अंदर जाते हुए दिखेगा, होगा क्या कि वहाँ पर एक रेड शिफ्ट इफेक्ट होने लग जाता है। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है इवेंट होराइजन के अंदर, जैसे ही क्रॉस कर दिया उसने, तो वो हमें ऐसा दिखेगा बाहर से जैसे वो एक ही जगह पर टिका हुआ है, बट होगा क्या कि उसकी वेव लेंथ बढ़ती जाएगी बढ़ती ही जाएगी, और धीरे 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 रेड शिफ्ट इफेक्ट होने लग जाता है, और लास्ट में वो रेड रेड कलर का होकर अचानक से डिसअपियर हो जाएगा। तो इसे रेड शिफ्ट इफेक्ट कहते हैं। और ब्लैक होल्स के अंदर इवेंट होराइजन में अगर कोई ऑब्जेक्ट चला गया तो बाहर से ऑब्जर्वर को कुछ वैसा ही दिखेगा वो, बल्कि जो ऑब्जेक्ट अंदर जा रहा है वो असली में ट्रैवल कर रहा होगा, बट बाहर वाले ऑब्जर्वर के लिए वो एकदम एक ही जगह पे दिखेगा टिका हुआ। जहाँ तक फ्यूचर ट्रैवल की बात है ब्लैक होल्स के थ्रू, तो अगर आपने इंटरस्टेलर को देखा है तो काफ़ी सटीक जो प्लॉट है उस मूवी का वो काफ़ी सटीक है, और उस तरीके से हम कर सकते हैं ट्रैवल कि ग्रेविटी टाइम को इफेक्ट करती है, ये हमें सभी को पता है। बट हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ब्लैक होल के अंदर जाके फिर शायद हम कहीं से निकलेंगे और फाइनली वो टाइम कोई दूसरे टाइम होगा, या तो वो पास्ट का टाइम होगा या फ्यूचर का, तो वो हाइपोथेटिकल है, हमें नहीं पता कि ऐसा होगा भी या नहीं, और मैं भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ, तो इसका आंसर मैं नहीं दे पाऊँगा, सॉरी। बट आई होप कि मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स ढंग से दे दिए हो, और इनफैक्ट अगर आपके कोई और भी क्वेश्चंस है, सिंस मैंने इस वीडियो को काफ़ी जल्दी निकाल लिया है अभी, और मुझे पता है कि आप में से कुछ लोग पूछ भी नहीं पाए होंगे क्वेश्चन, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बट आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊँ और जिनमें मैं आपके क्वेश्चंस को फिर से आंसर करूँगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।